हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आपको वीडियो स्टार्ट होते ही पिक दिख गई होगी, मैंने करिश्मा कपूर मेकअप लुक क्रिएट किया है। सिंपल सा मेकअप लुक है। तो फ्रेंड्स, लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, अभी थोड़ी देर से लाइट आने वाली है, तो मतलब मैं रिंग लाइट वगैरह लगा दूँगी। और फ्रेंड्स देखो, मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही थी, तो मैंने मॉइस्चराइजर CTM कर लिया है, मॉइस्चराइजर वगैरह टोनर वगैरह सब कुछ लगा दिया है। थोड़ी ड्राई स्किन हो रही है फिर भी, और प्राइमर भी मैंने लगा लिया है। तो हम डायरेक्ट फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, और आज मैं प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वही प्रोडक्ट मैं यूज में लेने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी सब कुछ करने के बाद भी ड्राई स्किन हो रही है, तो आप उसको इग्नोर करना और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट गो। और ये देखो, ये मैंने अच्छे से प्राइमर फाउंडेशन ले लिया, फिंगर से मिक्स कर रही हूँ और डेप डेप डॉट डॉट करके लगा रही हूँ। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से डेप डेप करके मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, तो अच्छे से लग जाएगा। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से मिक्स ब्लेंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फाउंडेशन ही लगा रही हूँ और कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि लाइट सा मेकअप है तो इतना तो बहुत है, और हैवी मेकअप नहीं था जो मैं सब कुछ लगाऊं, कंसीलर वगैरह। लाइट सा मेकअप था, इसलिए मैंने लाइट सा ही यूज किया है। तो फ्रेंड्स, ये देखो मैं अच्छे से लगा रही हूँ, और आपको अच्छे से दिख रहा होगा थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये देखो, अच्छे से ब्लेंड भी कितना अच्छे से हो चुका है। थोड़ी ड्राई स्किन हो रही है, उसको इग्नोर करते समय हम मेकअप पर फोकस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये देखो, अगर वीडियो पूरी देखना अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, इतनी मेहनत करती हूँ तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करो, और सपोर्ट भी क्या करो, आपके लिए ही वीडियो बनाती हूँ टाइम निकाल के। तो फ्रेंड्स, ये देखो, कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया है मैंने पूरे बेस को। तो और अब करेंगे हम कंटूर वगैरह सब। पहले कंटूर ब्लशर हाईलाइट कर लेंगे, उसके बाद ही हम आई मेकअप करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखो, अब मैं पहले आईब्रो फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिलिंग के बाद देखते हैं हम फिर कंटूर करूँगी चेहरे को। तो ये मैं थोड़े से कंटूरिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने थोड़ी फास्ट वीडियो कर रखी है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो और आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ऐसी न्यू वीडियो लाती रहूँगी, और आप पूरी सब्सक्राइब चैनल को करते रहना फ्रेंड्स, मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ब्लेंड भी अच्छे से हो रहा है। उसके बाद अब नॉच पर भी हम ब्लेंडिंग से कर लेंगे, आप फिंगर से भी कर सकते हो, और अच्छे से ब्लेंड छोटे ब्लेंडिंग से भी कर सकते हो ब्लेंडर से। तो ये अब मैं लगा रही हूँ ब्लशर, तो डॉट डॉट से अच्छे से लग जाता है और बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, मतलब अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। तो हम डॉट डॉट करके ही लगाना चाहिए, नहीं तो एक कहीं ज़्यादा कहीं कम लग जाता है। और ये हल्की सी हाइलाइटिंग कर ली है मैंने फेस पर। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनल लुक था, और पूरा डिटेल में जानते रहिए आगे। आप वीडियो स्किप मत करना। ये हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी लिपस्टिक थी, और ये बिल्कुल हल्का सा शेड है, तो मैंने बिल्कुल हल्की सी लिपस्टिक लगाई है। थोड़ा सा लिपस्टिक का कलर डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है क्योंकि मेरे पहले लिप ग्लॉस लगा रखी थी, इसलिए ये हल्का सा पिंकिश लग रहा है, बाकी लिपस्टिक का कलर सेम था। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं आई मेकअप एक ही कलर का कर रही हूँ, और बाकी हल्का सा डार्क कलर ले लूँगी। ये लाइट पिच कलर था, और हल्का सा डार्क ब्राउन सा कलर ले लूँगी। उसके बाद मैं आईलाइनर लगाऊंगी, और फ्रेंड्स, आईलाइनर मेरे से पहले तो मोटा लग जाता है, फिर मैं वापस जो करिश्मा कपूर का पिक में लुक है उसमें आईलाइनर बिल्कुल पतला और बिखरा बिखरा सा था, तो मैंने उसको साफ़ करके वापस वैसा ही किया, पतला पतला बिखरा बिखरा सा। अंडर आइज़ पर भी मैंने लगा लिया है आई शेडो। उसके बाद अब आईलाइनर देखो, बहुत ही अच्छा सा लगा था, मोटा आईलाइनर लगा था, बाकी बहुत अच्छा लुक आया था। बट जो मुझे सेम लुक क्रिएट करना था, तो फिर मैंने बाद में कैमरा ऑफ करके इसको अच्छे से साफ करके बिखरा बिखरा आईलाइनर लगा लिया था। वो मैंने शायद वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि ये आईलाइनर बहुत ही अच्छा यूनिक सा लगा था फ्रेंड्स। और ये देखो,
ये मैंने काजल भी लगा लिया, हल्का हल्का सा काजल लगाया हुआ था। फिर मैं बाद में पिक्चर्स देखती हूँ तो थोड़ी सी लेंस काजल पर चला गया था, सॉरी काजल लेंस पर चला गया था। और अब मस्करा फ्रेंड्स, मैं बंद कैमरे में आईलाइनर साफ़ कर लूँगी और बिखरा बिखरा सा लगा लूँगी। और मैंने बाल कानों में बालियाँ पहनी है बड़ी बड़ी और बाल ओपन किए हैं। और जो भी न्यू सब्सक्राइबर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम पर। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये फाइनल लुक था मेरा, बाल ओपन थे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी भी यूजफुल वीडियो लगी हो करिश्मा मैम के मेकअप की तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे साथ ऐसे चलते रहो। बाय, गुड आफ्टरनून।